नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक राशिफल 23 से 25 अगस्त का। इन 3 दिनों का राशिफल मैं लेकर आया हूं, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 3 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। अब लेते हैं हमारी 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है द एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड अपीयर हुआ है द चैरियट और चौथा कार्ड अपीयर हुआ है सिक्स ऑफ द वॉन्ड्स। तो कुंभ राशि आपके लिए वॉन्ड्स हाउस के 3 कार्ड और 1 कार्ड मेजर अर्केना से आए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपके लिए ये 3 दिन बहुत सुखद, बढ़िया, मनोरंजक, मज़ेदार रहने वाले हैं। देखिए, मज़ेदार कैसे रहने वाले हैं। एक तो आपके रिस्पेक्ट और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। लोग आपकी बात को समझेंगे, सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप किसी का थोड़ा सा भला करेंगे तो भी आपका नाम ज़्यादा होगा। आज के दिन यानी कि 23 तारीख से 24-25 जो आ रहा है 3 दिन, इन 3 दिनों में, पूरे 3 दिनों में, अभी मैं डेवाइज नहीं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, इन 3 दिनों में आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आते रहेंगे। उन आइडियाज़ को बेटर होगा कि आप नोट डाउन कर लें, तभी आप उनमें से सही वाले को चूज़ करके अपना काम कर पाएंगे। अब डेवाइज चलते हैं 23 तारीख के लिए। क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स आई हुई हैं। 23 तारीख को आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान मत पहुँचाइएगा। आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे लॉस मत दीजिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, 23 तारीख का जो दिन है ये सेल्फ मेड दिन होगा, यानी अपने आप को बनाने का भी दिन है। तो आप अपने पे इन्वेस्ट करें, अपने लिए कपड़े खरीदें, कोई एजुकेशनल बुक खरीदें या किसी एजुकेशनल कोर्स में अपना पंजीकरण करवाएं, वो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे करना है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। 24 तारीख यानी कि शनिवार के लिए शैरियट का कार्ड आया हुआ है जो ये बताता है कि आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है और वो निर्णय आपके दिल के करीब नहीं होगा, दिमाग के करीब होगा। तो जब ऐसा हो, दिमाग के करीब निर्णय ज़्यादा हो, दिल के करीब कम हो, तो उस पर एक बार फिर से विचार करिएगा, क्योंकि द शैरियट यही करते हैं। शैरियट मतलब रथी या महारथी, तो ये यही करते हैं। और तब आप देखेंगे कि आपके दिल के करीब वाला जो विचार है वो शुरू में कमज़ोर तो भले है, लेकिन बाद में बेनिफिट वही दे रहा है। अब हम चलते हैं 25 तारीख यानी रविवार की ओर। तो रविवार का जो दिन आपका है कुंभ राशि, इस दिन आप किसी दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं, देशाटन पर जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जो आपके घर से कम 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो। सेकेंड थिंग, अगर आपकी फैमिली में किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा था तो रविवार को उसे ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। न सिर्फ उसे बल्कि आपको भी ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ होगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और वो ये कि आप कुंभ राशि हैं, आप किंग मेकर हैं, किंग नहीं हैं। तो अपने आप को सेकंड पोजीशन पर रख करके काम करने की कोशिश करिए और देखेंगे कि काम कितना बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, ये था 23 से 25 तारीख तक का राशिफल। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।